दोस्त, लाइफ में ना मैं बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन है ना समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। ये एक वीडियो है जस्ट मेरी लाइफ के बारे में। सो दोस्त, आशा करूँगा कि आप मेरी इस पूरी वीडियो को देखोगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना। यार, ना तो मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाला विवेक बिंद्रा हूँ, ना ही कोई कैरीम नाटी जैसा यूट्यूबर हूँ, और ना ही शुभम जोशी जैसा ब्लॉगर हूँ। यार, मेरा है ना ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि ना लोगों तक है ना मैसेज पहुँचाना था, जो मैंने लाइफ रियलाइज़ किया ना अपनी ज़िंदगी में, मतलब जो दुख देखे हैं ना वो लोगों तक को ना मिले, लोग उस दुख तक पहुंचने से पहले ही अपने आप को चेंज कर ले। गाइस, मेरा नाम सोनू माली है और बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। जयपुर के थोड़ा उससे आगे है मेरा गांव, है मालियों की चौकी मेरा गांव है, और गंगापुर सिटी मेरी तहसील लगती है। मेरे पापा है जो मतलब एक नॉर्मल किसान है, और घर में गाड़ी है, मजदूरी करते हैं। छोटा भाई है वो मुझसे बेटर है बिकॉज वो खुद का बिजनेस कर रहा है, मतलब वो है ना खुद का अपनी पढ़ाई छोड़ के और पूरा घर संभाल रहा है, मतलब वो मुझसे बेटर है यार। उसकी इनकम है ना कसम से, मतलब वो महीने के है ना 40-50 हज़ार रुपये घर में कमा लेता है, पूरा घर चला देता है। लेकिन है ना मैं एक ऐसा निकम्मा हूँ ना कसम से, मतलब मैं 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा हूँ और मैं उससे बड़ा हूँ। मतलब क्या बोलूँ यार, उसने मुझसे ज्यादा दुख नहीं देखे, लेकिन वो मुझसे आगे है आज। तो मैंने इतने दुख देखने के बाद भी ना गाइस, दैट बहुत पीछे, मैंने एजुकेशन उससे ज़्यादा की हुई है, उसने मुझसे कम की हुई है। मैंने IHN से होटल मैनेजमेंट की डिग्री की हुई है। मेरी स्टडी में मेरे पापा ने मतलब घर वालों ने कर्जे से लेके खुद से पैसे, उन्होंने 7 लाख रुपए ऐसे ही लगा दिए। लेकिन है ना उस बेचारे के ऊपर मतलब पढ़ाई में रहा कितना संघर्ष किया, बहुत कम, उससे ज्यादा मुझे फैसिलिटीज दी। लेकिन मेरे भाई, इसमें ना मेरी भी कोई गलती नहीं है। मैं होटल मैनेजमेंट की डिग्री की वो है ना ये चीज सोच के की कि नहीं यार, अभी जो मेरी अभी मैं पार्ट टाइम नौकरी कर रहा हूँ होटल में डिग्री करने के साथ साथ, तो मैंने ये सोचा कि यार अभी मुझे 10-12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब प्लेसमेंट हो जाएगा तो 25-30 हज़ार रुपये आसानी से मिल जाएंगे किसी कंपनी में। कहीं पर भी मैं काम करूँगा, किसी भी होटल में, कुछ में भी, किसी भी लाइन में मैं जाऊँगा ना, तो मुझे 25-30 हज़ार रुपये आसानी से मिल जाएंगे, ये सोचता। लेकिन है ना भगवान की पता नहीं क्या मेहरबानी हुई, लॉकडाउन के टाइम पे अचानक से घर में था, छुट्टियों में था घर में, मम्मा को बोला कि मुझे जाना है, मतलब मुझे जोधपुर जाना है कॉलेज मेरे, तो उन्होंने बोला कि चले जाना आज, घर में थोड़ा ना काम है खेत में, चल थोड़ा काम कर ले हमारे साथ साथ। अब यार उस वक्त कोई ऑप्शन तो था नहीं, घर में मैं ऐसे ही पबजी खेलता रहता था, गेम खेलता रहता था, कोई काम तो था नहीं, क्या करूं। लेकिन उस दिन मतलब उस दिन पता नहीं क्या भगवान ने क्या सोचा, मैं मम्मी के साथ गया खेत में, उधर कर रहा था काम,
और अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया। जो मशीन थी चारा काटने वाली, उसमें मेरा हाथ चला गया, हाथ की फिंगर्स कट गई। मैंने लाइफ की शुरुआत है ना सन 2017 से होटल लाइन की शुरुआत की, जब मैं 11th क्लास में था। मेरा एक सपना था कि मैं मास्टर शेफ बनूंगा, मतलब है ना कि एक सपना था कि मास्टर शेफ की ट्रॉफी लूंगा। बहुत बार मेहनत की, बहुत बार क्या, बहुत ज्यादा मेहनत की। हर एक कोचिंग्स में सीखता था, जहाँ से मुझे सीखने का मौका मिला सीखता था, सब कुछ करता था। मतलब है ना, ये सोच के बैठा था कि जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट होगी ना, तो मैं सीधा सूस शेफ की पोजीशन पे जाऊंगा या फिर सीडीपी की पोजीशन पे जाऊंगा, ये सोचा था। लेकिन भगवान ने पता नहीं क्या चाहा कि ना डिग्री पूरी हुई, 5th सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, 6th सेमेस्टर हुआ भी नहीं, इतने में मेरा एक्सीडेंट हो गया। लॉकडाउन ऐसे लगा था 6 महीने घर बिताए, घर बिताने के बाद वही डिप्रेशन में चला गया। क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं। वहां से फिर मैंने, मतलब वहां से है ना, सोचा कि नहीं यार लाइफ में फिर दोबारा कुछ करते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ कुछ भी। फिर से है ना मेहनत करना स्टार्ट किया, और है ना आज 14-15 हज़ार रुपये की आज नौकरी मिल गई। मतलब मैं है ना अभी इतना खुश हूँ ना, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। इंसान जब लगातार कंटिन्यू 8-9-10 हज़ार रुपये की नौकरी करता रहता है ना, कंटिन्यू 2-3 साल, और उसके ना अचानक से 4-5 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं सैलरी, तो पता है कितनी खुशी मिलती है उसको, मतलब बहुत ही ज़्यादा। गाइस, मैंने जो अपने चैनल का नाम रखा है ना, वो ऐसे ही नहीं रखा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा सोच समझ के रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आज तक है ना लाइफ में मैंने इतने से ही पैसे कमाए जितना है ना खुद का गुजारा भी नहीं कर पाया, और मैंने जहां कहीं भी ट्रेवल किया ना, कसम से मैंने कोई लग्जरी ट्रेवल नहीं किया। मतलब जहाँ लोगों के है ना 100 रुपये खर्च होते हैं ना टिकट में, तो वहाँ मैंने 20 या 30 रुपये देने की कोशिश की। तो है ना क्या बताऊँ। और जस्ट अभी मैंने ना एक जर्नी स्टार्ट की है कि ऑफिस से मैं जैसे ही फ्री होता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, तो ऑफिस से थोड़ा सा आगे जाके और मैं वहाँ से लिफ्ट ले लेता हूँ, और जैसा भी है जब भी पहुंचाए, पहुंचना तो घर ही है, 2 घंटे में 3 घंटे में कभी तो पहुंचाएगा, कभी तो लिफ्ट मिलेगी। तो मैं ये नहीं सोचता कि यार कितने बजे मैं पहुंचूंगा घर, बस ये सोचता हूँ कि यार फ्री में जा रहा हूँ घर, और है ना 4-5 घंटे की नींद पूरी हो जाए ना, वो ही काफ़ी है। और फिर से ना अपनी आके ड्यूटी करूँ और मेहनत करूँ और ज़्यादा। तो गाइस, रास्ते में जो भी मुझे दिखता है ना, मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। मतलब फोन को है ना, मैं यहाँ से जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना जर्नी अपनी, मैं तब से ही फोन को चालू कर देता हूँ, और मतलब वहां से लेके और पूरा लास्ट तक, मतलब घर पहुंचूंगा ना तब तक मेरा फोन चलता ही रहता है, तब तक रिकॉर्डिंग ऑन ही रहती है। मतलब आपको देखने में ना अजीब सा लगेगा कि यार ये बंदा फोन भी बंद नहीं करता है, इसका हाथ दर्द नहीं कर देगा। एक्चुअली मेरे पास गिम्बल था मेरा, मैंने लिया था, सेविंग की थी कुछ महीनों की, और मैं हर महीने करता हूँ सेविंग, बचाता हूँ हर महीने, तो हर महीने कुछ ना कुछ चीज़ खरीदता रहता भी हूँ। तो मैंने एक महीने सेविंग करके और 9 हज़ार रुपये का मैंने गिम्बल खरीदा था, ये सोच के कि नहीं यार अच्छा यूट्यूबर बनूंगा, धीरे धीरे मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, और मैं इधर उधर तो घूमता रहता ही हूँ वैसे भी, तो लोगों को मैं वहाँ के नज़ारे दिखाया करूँगा, ब्लॉगिंग किया करूँगा, कहीं नई जगह जा रहा हूँ
ऐसे ही घूमने के लिए, चाहे लिफ्ट लेके जा रहा हूँ, चाहे जैसे भी जा रहा हूँ, जो मर्जी जैसे जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ की वीडियोज़ डाला करूँगा। यही सोच के मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और अपना चैनल खोला। लेकिन है ना गाइस, बहुत दुख हो रहा है, ये ना लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लोग है ना वीडियोस देख तो रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं रही है, लोग देख रहे हैं लेकिन है ना उसको लाइक नहीं कर रहे, ना ही सब्सक्राइब कर रहे चैनल को। मतलब लोग है ना, पता नहीं यार, तुम लोग ऐसे लोगों की वीडियोस क्यों देखते हो जिनकी लाइफ पहले से ही मस्त है। तो वो लोग है ना जो पहले से ही लाइफ में इतने ज़्यादा अमीर है ना, बहुत ज़्यादा यार। कभी अब जैसे भी लाइक देख लिया करो वीडियो यार, मतलब हम जैसे भी वीडियोस पे भी लाइक दे दिया करो यार, कभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो यार। तुम ऐसे तो अपनी लाइफ के टाइम में ना बहुत ज्यादा बर्बाद करते हो, ऐसे तो तुम पता नहीं क्या क्या किस किस चीज को देखने में टाइम बर्बाद कर देते हो आप लोग। लेकिन है ना कभी जिंदगी में रियल इंसान की स्टोरी सुनने में है ना कभी आपने लाइक नहीं दिया, सॉरी कभी आपने अपना टाइम नहीं दिया। मैं तो यही बोलूंगा आप लोगों से कि यार ऐसे इंसानों की वीडियो देखो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, जिनकी जिंदगी के बारे में जान के है ना आपको कुछ है ना, मतलब कुछ मन में ये लगे कि नहीं यार मुझसे बेटर है इंसान, या फिर उससे बेटर हूं मैं, कि मैं आज कुछ कर रहा हूं। पता नहीं आप लोगों की सैलरी कितनी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर आप स्टडी कर रहे हो तो आपके घर वाले चला रहे हैं खर्चा, या फिर खुद से चला रहे हो। लेकिन है ना गाइस एक बात बोलूँ, कभी है ना अपने माँ बाप के पैसे नहीं लेके ना खुद के पैसे खर्च करके देखो कमा के, पता लगेगा आपको रियल लाइफ क्या है। और है ना खुद के पैसों से महीना निकाल के देखो निकलता है नहीं निकलता है, पता लग जाएगा। और जब जिम्मेदारियाँ पड़ती है ना सर पे कि नहीं यार घर में छोटी बहन है उसकी शादी करवानी है, उसका सब लोग पैसे देंगे, ऑब्वियसली बात है पापा ही लगाएंगे पैसे, लेकिन कुछ है ना यहाँ भी लगना चाहिए कि नहीं यार मैं भी अपनी बहन के लिए कुछ करूँगा, मैं ना मैं भी मतलब मैं भी है ना अपनी बहन की शादी में ना खुद से पैसे खर्च करूँगा, अपने घर वालों से नहीं मांगूंगा, ऐसा लगना चाहिए। और जो खुशी उस वक्त मिलेगी ना उसका ना कोई ठिकाना नहीं होगा गाइस। या फिर है ना अपनी अपने पैसे की सेविंग से ना परिवार वालों के लिए कुछ लेना, या फिर अपने भाई के लिए ना कुछ भी खरीद के देना उसको अपने अपने कमाए हुए पैसों से, तब पता लगेगा और आप तभी समझोगे कि खुशी क्या होती है। और रही बात दुख की, तो है ना मुसीबत के टाइम है ना अपने रिश्तेदारों से या दोस्त से पैसे मांग के देखना, चलो दोस्त एक दो बार तो दे देंगे लेकिन है ना रिश्तेदार कभी नहीं देंगे पैसे, माँ बाप भी दे देंगे कैसे भी करके, लेकिन है ना साले रिश्तेदार नहीं देंगे। गाइस थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, बस यही बोलना चाहता था, ये थी मेरी जिंदगी की कहानी। वैसे तो मेरी कहानियां बहुत सारी है, बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी बने, इसलिए और आऊंगा ऐसे ही लाइव अपनी कहानी को लेकर। बस तब तक के लिए मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो देखिए, और अगर गाइस मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो
और जितनी भी वीडियोज हैं उन पर एक बार लाइक कर दो, आपका कुछ नहीं जाएगा गाइस, बस थोड़ा सा टाइम जाएगा तो भगवान उस टाइम को कहीं और एडजस्ट करेगा आपका। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय।